Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying safe. My name is Anjul and I'm vlogging today. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुलाव बनाने की रेसिपी. एक्चुअली बहुत ठंड हो रही है, बारिश पड़ रही है बाहर, तो आज हमारा पुलाव खाने का मन है. तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पुलाव बनाती हूँ. वैसे तो सबको ही आता है और सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, तो मैं कैसे बनाती हूँ तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ. सो लेट्स गो. एक प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्ची और ये मटर छील के रखी हुई है, तो फटाफट से चलो इनको काट लेते हैं. तो मैंने प्याज चॉप कर ली है, टमाटर और मिर्ची भी चॉप कर ली है, और देखो मसाले में मैंने ये लिया है, ये जीरा और हींग, एक बड़ी इलायची, तेजपत्ता और तीन लौंग लिए मैंने. ये मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि ठंड है और ठंड में चावल नुकसान देता है, तो अगर हम ये चीज़ डालेंगे तेजपत्ता इलायची और लौंग वगैरह, ये गर्म होती है तो फिर पुलाव नुकसान नहीं देते हैं. और मसाले में मैंने लिया है धनिया, हल्दी और लाल मिर्च. तो चलो अपना पुलाव बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. ये रहा हमारा कुकर, कुकर को रखते हैं गैस पे. मैं, मम्मी और पापा खाएंगे पुलाव, गुरनाम खाएंगे आलू से रोटी, क्योंकि गुरनाम कम ही खाते हैं पुलाव. गुरनाम को बिरयानी दे दो, गुरनाम बिरयानी खुश होकर खा लेंगे, लेकिन पुलाव नहीं खाएंगे, बहुत गंदे हैं. खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाते और पुलाव भी बिल्कुल नहीं खाते. मैं बनाऊंगी पुलाव को तेल में, मम्मी घी में बनाती है पर मुझे तेल में अच्छा लगता है, और मुझे फिर ऊपर से घी डाल के खाने में मज़ा आता है पुलाव में. पुलाव घी में बनाने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, ऊपर से घी डाल के खाने में बहुत टेस्टी लगता है. देखो कुकर में पानी था और पानी सूख गया, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल. सही सही क्वांटिटी में ऑयल डालना होता है जिससे कि हमारे जो प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए. देखिए कुकर में से निकलने लगा धुआं, सॉरी कुकर में से नहीं, तेल से निकलने लगा धुआं. अब मैं इसमें ऐड करूंगी तेजपत्ता, इलायची और लौंग, और ये होते हैं ऑयल बॉम्ब्स, तो हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए. जब भी हम इसको डालें तेल के अंदर, जब भी हम इसको डालो ना तो ये फट जाते हैं, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए जब भी हम ये डालें तेल में. मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ और हींग डाल देती हूँ. देखो जीरा और हींग डाल दिया मैंने, और अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ. गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, जो चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना. ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी मैं प्याज को, मीडियम ही फ्राई करूँगी. जब ज़्यादा काली काली जो हो जाती है वो नहीं करूँगी. हम इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर और हरी मिर्ची. मैं मटर डाल देती हूँ इसमें, मुझे मटर पसंद नहीं है बट मम्मी पापा खाते हैं तो इसलिए डाल रही हूँ. मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं मटर अलग निकाल देती हूँ. धनिया और लाल मिर्ची, हल्दी सारे ऐड कर दूंगी मैं इसमें. नमक डाल देते हैं.
मेरा नमक भी गिर गया। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है ना, लोगों के पास कैमरामैन होते हैं, हमारे पास कोई नहीं है, कोई नहीं बनाता मेरी वीडियो, मुझे खुद ही बनानी पड़ती है। तो नमक डाल दिया, मिक्स कर दिया, गैस को रखा है सिम, एकदम नमक गिर गया यार। अरे यार आधा मसाला तो मेरे चमचे पे गिर गया। अबे फोकस कर दे। हाँ देखो मैंने चावल भिगा दिए थे, पौना घंटा पहले भिगाए थे मैंने चावल। और देखो मसाला हमारा हो ही गया है, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे फ्राई, मतलब ज़्यादा कुक नहीं करेंगे इसको, जो मसाला है हमारा वेजीज है, क्योंकि फिर उनका ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, एंड मसाले मसाले का ही लगता है फिर पुलाव। तो मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। आप चावलों को आधा पौना घंटा पहले ही भिगो पुलाव बनाने के लिए, फिर आप पुलाव बना सकते हो, बिना भिगोए भी बना सकते हैं, फिर उसमें सीटी लगानी पड़ती है ज़्यादा, और अगर आप भिगोते हो चावल तो बस एक सीटी भर के छोड़नी पड़ती है पानी। अब देखो पानी कितना डालना होता है, पानी हमने डालना होता है डबल, जितने हमने चावल लिए थे ना उसका डबल पानी डालते हैं। तो मैंने लिए थे ये वाला ग्लास, पौना ग्लास चावल लिए थे, तो मैं इसमें डेढ़ ग्लास पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि फिर चावल चिपके चिपके बनते हैं पुलाव। एक ग्लास, डेढ़ ग्लास, देखो बस। अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ और गैस को कर देती हूँ मीडियम, हाई नहीं करनी है, लो भी नहीं करनी है, हाई कर दोगे तो एकदम सीटी आ जाएगी और आपके चावल कच्चे रह जाएंगे, लो करोगे तो आपके चावल घुट जाएंगे। तो मीडियम रखनी है और सीटी भर के छोड़नी है। अगर आप चावल आधा पौना घंटा पहले भिगाते हो तो उसमें आपको सीटी भर के छोड़नी होती है, सीटी लगानी नहीं होती, क्योंकि फिर चावल ना घुट जाते हैं, अच्छा पुलाव नहीं बनता। तो जब तक मेरे पुलाव बनते हैं मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। आपको अभी गुन्नाम आएंगे ना, गुन्नाम से मिलवाऊंगी आपको, वो बिल्कुल नहीं आते कैमरे के सामने, बहुत गंदे हैं, उनको पता नहीं क्या कैमरे से एलर्जी है, कैमरे को देख के भागते हैं, अभी आने वाले हैं। अभी गाइस देखो इसमें सीटी भर गई, आवाज आने लगी, सी सी कर रहा है कुकर, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। हो गए होंगे मेरे पुलाव, सीटी भर के छोड़नी होती है। हाय नी तेरा कोका कोका कोका, हाय नी तेरा कोका, हाय। बारिश पड़ रही है बाहर ना, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी, देख क्यों बारिश पड़ रही है कि अभी हमारे ना कपड़े भी नहीं सूख रहे बेचारे, यहाँ पे टंग रहे हैं। अब तो नहीं पड़ रही बारिश, पर ठंडी हवा चल रही है बहुत, देखो बारिश पड़ के बंद हो गई, पानी भर रहा है ना, देखो बहुत ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा में गुन्नाम घूम रहे हैं कहीं। मैं अंदर जाती हूँ वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगी, अभी मेरे को फीवर हुआ था, मुझे दोबारा बीमार नहीं पड़ना है, जिंदगी झंड हो जाती है। लाइट्स ऑफ गाइस, कुकर की गैस निकल गई है, सो नाउ लेट्स ओपन इट एंड देखते हैं कि कैसा बना है पुलाव। ये देखो टेस्टी टेस्टी पुलाव मेरा, देखो कैसे खिले खिले चावल वाला पुलाव बना है। कौन आया बे? देखो गुन्नाम को, देखो गुन्नाम को आ गई, देखो कितने बजे आए हैं, 7:15 बजे आए हैं, देखो इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, इतनी ठंड में घूम रहे हैं, मैं 2 घंटे से अकेली बैठी हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, अब कहाँ जा रहे हो?
व्हाट इज दिस? देखो गाइस, मेरा बहुत टेस्टी पुलाव बना है। मेरा नहीं बना, चावलों का बना है। पर बहुत टेस्टी लग रहा है।